नमस्कार दोस्तों, आपको हमने एक बार चीज बता रहे थे आपको पहले भी कि जब बॉयलिंग हाउस का कोई भी डिजाइन हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ हम पहले थंब रूल बता देंगे। इससे बहुत आसानी होगा आपको कि क्या-क्या चीजें लगती हैं और उसका कितनी रिक्वायरमेंट होती है, क्या सरफेस एरिया मान लिया 2 सीटर का है, कुछ भी है, बॉयलिंग हाउस के कोई भी इक्विपमेंट हो। तो कुछ थंब रूल हमने 3-4 किताबों से देख के एक जगह नोट्स बनाया हुआ था। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, उसके बाद में फिर एक एक करके सबकी डिजाइन की जूस, जैसे जूस सल्फाइटर हुआ, क्रिस्टलाइजर हुआ, पेन हुआ, मोलासेस टैंक हुआ, हर एक चीज़ की जो जो इक्विपमेंट लगते हैं उन सबकी डिजाइन आपको बताएंगे विद एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले क्या है, एक हमने जो थंब रूल 3-4 किताबों से इकट्ठा किया, इसको आप अपनी एक डायरी में लिख लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। ये तब यूज होता है जैसे मान लिया आप कभी मीटिंग में बैठे हुए हों, कोई डिस्कशन चल रहा है, तो प्लांट की कैपेसिटी मान ली हमको बढ़ानी है, तो तुरंत अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि ठीक है, हाँ ये कैपेसिटी बढ़ानी है, तो किसी के हीटिंग सरफेस एरिया कितने, क्रिस्टलाइजर की है कितने, हमारे पेन चाहिए कितना, सीड क्रिस्टलाइजर चाहिए कितना, वैक्यूम क्रिस्टलाइजर चाहिए कितना, क्या होना चाहिए, फिल्ट्रेशन एरिया कितना होना चाहिए वैक्यूम फिल्टर का, हर एक चीज़ का जो है आपके थोड़ा टिप्स पे आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है सभी के लिए। चलिए एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ ही चीज़ें बताएंगे, उसके बाद में और आपको डिटेल में और जानकारी देंगे, लेकिन इसको आप अपनी डायरी में ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7000 TCD का हमारा प्लांट है, ठीक, 392 TCH हो गया। अब यही आगे कि जूस हीटर का हीटिंग सरफेस एरिया कितना होगा, तो आप लिख लीजिए 34% आप TCD, जितना TCD का प्लांट होगा उसका 34% आप निकाल दें, देखिए 2380 m² हीटिंग सरफेस एरिया, लगभग में इतना हमें हीटिंग सरफेस एरिया नियर अबाउट इतना चाहिए, ठीक। अब दूसरे पे आते हैं, देखिए क्वाड सेट का हीटिंग सरफेस एरिया 1.4 times ऑफ TCD, ये सब थंब रूल हैं, लगभग इसी के ही नियर अबाउट में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा लगभग, उसका भी कैलकुलेशन हम बताएंगे आपको पूरा डिटेल में, ठीक है। इसे क्वाड सेट हीटिंग सरफेस एरिया जितना TCD का प्लांट है मल्टीप्लाइड बाई 1.4, ठीक, 9800 m², ठीक है, यहाँ हो गया ये कैलकुलेट। अब पैन की कैपेसिटी क्या चाहिए, पैन मल्टीप्लाइड बाई 12 जितना भी TCD है डिवाइड बाई 100, ठीक, 840 टन पैन चाहिए। अब इसमें ए बी सी मैस्किट होते हैं, सबसे पहले तो आप मशीन की बॉइलिंग का देखिए, ए मशीन 25% ऑफ केन, केन मतलब भाई 7000 TCD का प्लांट, 7000 का इतने टन पर डे ए मशीन, बी मशीन का 11%, ठीक, 0.11 मल्टीप्लाइड बाई 7000 इतने टन पर डे, इतना मैस्किट हमारा जनरेट होगा, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार सी की 8%, तो देखिए कितना ईजी है, 25%, 11%, 8%, इतने टन पर डे आपके टिप्स पे आ गया। केवल केवल आपको परसेंटेज केवल लगाएंगे, जितनी कैपेसिटी का प्लांट है उससे आप करते हैं, कितना आपके पास में होगा, इतनी चीज आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे पीरियड ऑफ पैन बॉयलिंग, भाई ए का होगा, बी का होगा, सी का होगा, इसको स्ट्राइक पीरियड अपना कितना है, 24 घंटे होते हैं ना, ए लेता है 4 घंटे, बी 6 घंटे और सी 12 घंटे पर स्ट्राइक क्वांटिटी ऑफ मशीन। अब देखिए ए मशीन का जैसे निकालना है, आपने वहाँ निकाला था 1750, ठीक, 4 घंटे डिवाइड बाई 24, 291.66 टन,
ए मशीन आ गया। अब नंबर ऑफ पेनिस के लिए कितने रिक्वायर होंगे, जितना ये टन आया हुआ है इसके हिसाब से आप पेन डिसाइड कर लीजिए भाई, आप 40 टन का पेन लगाना चाहते हैं, 80 टन का लगाना चाहते हैं, कितने जितनी पेन की कैपेसिटी से आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पेन आपको रिक्वायर्ड हो जाएगा ए के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आई, क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ पर निकाल लिया था हमने ए और बी और सी के बास्केट वाला। अब देखिए पेन आ गए, यहाँ से निकल जाएगा नंबर ऑफ पेन रिक्वायर्ड। आप अपने यहाँ का करके एक बार इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, इसी हिसाब से देखिए बी का, इसका 6 घंटे था ना, 6/24 कर दिया मल्टीप्लाइड बाई 770 जो पिछली बार उधर जो आया हुआ था मैस्किट का, 192 टन हो गया। तो बी के लिए कितने पेन चाहिए, आप 40 का लगा रहे हैं, 60 का लगा रहे हैं, 80 का लगा रहे हैं, उतना डिवाइड कर दिए नंबर आप पेन निकल जाएंगे सेम ऊपर वाले फार्मूले से। ठीक सेम इसी प्रकार हमारा सी का पेन है, इसमें कितने घंटे लग रहे थे, 12 घंटे, 12/24 560 जो आपने वहाँ निकाला हुआ मैच के 280 आ गया। आप नंबर ऑफ पेन निकालने के लिए सेम फार्मूला यही यूज कर लीजिए। ठीक नंबर ऑफ पेन रिक्वायर्ड इतने इतने डिवाइड बाई पेन कैपेसिटी, कितना आप रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं कि 60 का लगाना है, 80 का लगाना है, कितने का, उससे आप कर देंगे तो ए बी सी के पेन आ गए। अब आती है बात वैक्यूम क्रिस्टलाइजर की, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई पेन कैपेसिटी, सीड क्रिस्टलाइजर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई पेन कैपेसिटी, यहाँ से क्रिस्टलाइजर का भी आपका हो गया। वैसे क्रिस्टलाइजर कैपेसिटी देखिए ए का क्रिस्टलाइजर, जैसे ए का पेन वैसे ए का क्रिस्टलाइजर, इसके लिए देखिए फार्मूला क्या है, मैस्किट मल्टीप्लाइड बाई क्यूरिंग टाइम डिवाइड बाई 24, इसमें 8 घंटा देखिए लिखा गया है। यहाँ क्या था ए के लिए 4 घंटे, यहाँ कितना आया 8 घंटे। नंबर आप क्रिस्टलाइजर करने के लिए आपका इतना क्वांटिटी चाहिए, जितने का आप क्रिस्टलाइजर लगाते हैं, जितने कैपेसिटी का लगाना चाहते हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजर आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमने ये पेन का निकाला है बी और सी का, इसी हिसाब से आप निकाल लीजिए क्रिस्टलाइजर बी और सी का। ठीक है यहाँ से आपका ये पूरा हो जाएगा। चलिए देखिए अब दूसरा और दिखाते हैं, वैक्यूम फिल्टर के लिए 7 square feet मल्टीप्लाइड बाई इतना होता है, इतने स्क्वायर फिट हमें फिल्टरिंग एरिया चाहिए। नंबर ऑफ वैक्यूम फिल्टर, जितना आपका फिल्टरिंग एरिया चाहिए, फिल्टरिंग एरिया आया है फिल्टर एरिया से आप डिवाइड कर देंगे तो वैक्यूम फिल्टर निकल जाएगा। ठीक है और ये भी मालूम है इसकी साइज़ आपकी स्क्रीन की स्टैंडर्ड साइज़ जो है 0.3 से 0.4 mm की स्क्रीन लगती है। मिल हाउस में जो रोटरी जो हाँ ये मेस का साइज आपको ये आ गया। ठीक है सीरस सल्फाइटर देखिए, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1.3, क्लियर जूस 100% विक्स 13, विक्स सिरप 60, तो क्वांटिटी ऑफ सिरप ये देखिए 13 TCH/60 करके इतने टन पर आवर। वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है, क्वांटिटी ऑफ सिरप डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना मीटर क्यूब हो गया। रिटेंशन टाइम कितना दिया जाता है सिरप के लिए 15 मिनट। कैपेसिटी आप ये देखिए इसका फार्मूला, ये रिटेंशन टाइम मल्टीप्लाइड बाई विक्स ऑफ सिरप। ठीक है यहाँ से टोटल आप कैलकुलेट करके आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है डाया वगैरह है इतना है, इतना ही चीज़ है और आगे जो भी होगा आपको और बताते हैं हर एक चीज़ का कि कहाँ से कितना और चीज़ें होती हैं, उसकी डिज़ाइन क्या है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। तो दो तीन चीज़ों को देखा गया और इसको आप अपने डायरी में लिखिए, बराबर इसको रिमेम्बर करिए, याद हो जाएगा, इतना कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इन सभी का 1 by 1 करके सभी का हम आपको डिज़ाइन बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।